नमस्कार। आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे। गर्मी का मौसम है, कच्चे आम खूब मिल रहे हैं और यही समय है कि मुरब्बा बनाकर रख लीजिए। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बचपन में मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद था। मम्मी जब भी आम का मुरब्बा बनाती थी, हम लोग इसे रोटी पराठे के साथ तो खाते ही थे, बाद में इसे अलग से कटोरी में निकाला और चम्मच से खाते रहते थे। आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो शुरू करते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए हमने ये 1 किलो आम ले लिए हैं। इन्हें आप रात भर या 24 घंटे पानी में डुबा कर रख लेंगे। इससे आम के अंदर की गर्मी निकल जाएगी और जब आप इसे गर्मी के मौसम में खाएंगे तो ये आपको ठंडक देंगे। मुरब्बा के लिए जब आप बाज़ार से आम खरीदें तो उसे कटवा कर देख लें कि इनके अंदर पल्प ज़्यादा हो, गुठली छोटी हो और आम चारों ओर से अच्छा फ्रेश हो, दाग धब्बे ना हो। सबसे पहले हम इन्हें छीलेंगे और ये इसकी डंठल की साइड जो है थोड़ा सा यहाँ से काट कर हटा देंगे। सारे आम इसी तरीके से छीलकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें काट लेते हैं तो इसके ऊपर से जितना पल्प है इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इतने तो ये 4 पीसेस तो बड़े बड़े निकल आए, लेकिन अभी गुठली के ऊपर पल्प काफ़ी है, इसे हम इस तरीके से छोटा छोटा करके निकाल लेंगे और ये गुठली जो रह जाएगी इसे हटा देंगे। और ये टुकड़े बहुत बड़े बड़े हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो पीसेज आप अपनी पसंद से जैसे भी चाहें बना सकते हैं। ये सारे आम हमने काट कर तैयार कर लिए। अब चलते हैं गैस की ओर। यहाँ भगोने में हमने पानी गर्म करने रख दिया था, अच्छा उबाल भी आ गया इसमें और इतना पानी ले लिया कि हमारे आम अच्छे तरीके से डूब कर उबल जाए। और अब इनके नरम होने तक हमें इन्हें उबालना है, तो इन्हें पार्शियली ढक देते हैं ताकि थोड़े जल्दी उबल जाएंगे। तो 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसे देख रहे हैं, इसमें उबाल आ गया फिर से। हम इसे थोड़ा सा चला देते हैं, नीचे वाले आम ऊपर आ जाए और ऊपर वाले आम नीचे की तरफ चले जाएं। अब ये कुक तो नहीं हुए हैं, वैसे ही हमें दिख रहे हैं। और आप फ्लेम को भी मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट और कुक कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए इनका कलर चेंज दिखाई देने लगा है। और इसको चेक करें, हमें हल्के नरम चाहिए, ये ज़्यादा नरम नहीं करना है इन्हें। तो थोड़ा सा ये चाकू लगा कर देखते हैं, देखिए अच्छे से दबने लग गया, कितना आराम से ये दब रहा है। ये हो चुके, फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इसका पानी पूरा छान दिया हमने, आम को डाल देते हैं दूसरे प्याले में और ये पानी को भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये लिया है 800 ग्राम चीनी, 4 कप है ये। मुरब्बा में चीनी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। और अभी मैं इसे ऐसे ही ढक कर छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए, चीनी मेल्ट हो जाएगी, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। 1 घंटे के बाद देखिए ये चीनी कैसे पानी बन गई है, घुल गई है ये, क्योंकि आम के अंदर जो जूस था, पानी था, वो सब बाहर आ गया और चीनी मेल्ट हो गई। अब हम इसे कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली है, ये हमने घंटा भर रख लिया ना, उससे काफ़ी इसमें देखिए जूस निकल आया है। अगर हम इसे नहीं रखते तो इसे देर तक कुक करना पड़ता और एक्स्ट्रा पानी भी डालना पड़ता। अब ये फटाफट कुक हो जाएगा और अभी मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। बस थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। आम का मुरब्बा आप बना रहे हैं, कभी इसके लिए अल्मोनियम की कढ़ाई मत लीजिए, स्टील की कढ़ाई या हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई लीजिए। इसके साथ में हम डाल रहे हैं ये 2-3 सिनेमन के टुकड़े, इससे मुरब्बा में अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी आएगा। और इसमें डालने के लिए मैं ले रही हूँ ये 20-25 धागे केसर के, इसे मुरब्बा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी आता है। ऑप्शनल है ये, ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है मुरब्बा। तो इसे मैं थोड़ा चाशनी डालकर रख दे रही हूँ, ये अपना कलर छोड़ देगी। इसमें उबाल आ रहा है, इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम चला देंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि चाशनी अच्छी एक तार की नहीं हो जाती।
इसमें डाल देंगे ये 4 क्रस्ट इलायची। इससे मुरब्बा में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे ज़रूर, ताकि चीनी या आम कढ़ाई के तले में लगे ना। दस मिनट हो गए हैं और चाशनी अच्छी गाढ़ी दिखने लगी है, इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी चमचे पर चाशनी लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। इसे उंगली पर चिपकाते हैं थोड़ी सी और इस तरीके से इसे चेक करते हैं। तो देखिए इसमें अच्छा सा तार निकलने लगा है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये जो केसर के धागे हमने पहले भिगा के रखे थे उन्हें भी डाल देंगे। इससे इसमें हल्का सा कलर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। तो ये मुरब्बा अभी बन चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। इसे आप तुरंत खाएंगे ठंडा होने के बाद, थोड़ा सा खट्टा लगेगा। अगर आप इसे 4-5 घंटे तक ऐसे ही डूबा रहने देंगे चाशनी में, उसके बाद खाएंगे, फिर देखिए मुरब्बे का टेस्ट कितना अच्छा लगेगा। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसे प्याले में निकाल लेती हूँ। और ये जो हमने इससे पानी छाना था, इसका बनाते हैं मैंगो पन्ना। एक गिलास ले लिया, इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर और 2-3 आइस क्यूब और ये आम से निकला हुआ पानी। ये बहुत ही अच्छा एकदम मैंगो के खट्टे टेस्ट वाला पानी है। 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और बस थोड़ा सा घोल दिया और ये बन गया स्पेशल मैंगो पना। आम का मुरब्बा बनकर तैयार है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, इसके बाद आप किसी भी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। कंटेनर को पहले अच्छे तरीके से धोकर धूप में ज़रूर सुखा लीजिए, उसके अंदर कोई भी नमी नहीं रहनी चाहिए। ये मुरब्बा आप पूरे साल भर तक रख कर खा सकते हैं। वैसे साल भर तक ये कभी बचता ही नहीं है। बच्चों को ये मुरब्बा बहुत पसंद आएगा, उन्हें रोज़ाना खाने के लिए दीजिए, उन्हें ये गर्मी से भी बचाएगा। और बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप आम को उबालेंगे तो पूरा ध्यान रखिए वो ज़्यादा ना उबल जाए, एकदम से मैशी ना हो जाए। उबालने के बाद छान लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, आधा एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, मुरब्बा को कुक करने रख दीजिए, चेक करते रहिए और चाशनी के अच्छा गाढ़ा होने तक कुक कर लीजिए। और इसे बहुत देर तक मत पकाते रहिए, वरना आम के टुकड़े थोड़े सख्त हो जाएंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपकी चाशनी बाद में पतली लगने लगे, क्योंकि बाद में भी चाशनी में थोड़ा तारी रहना चाहिए, गाढ़ी रहनी चाहिए चाशनी, अगर वो पतली हो गई तो मुरब्बा जल्दी ख़राब हो जाता है। 3-4 दिन के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि चाशनी पतली हो गई है, तो मुरब्बा को फिर से कढ़ाई में डालिए और थोड़ा सा पका लीजिए। चाशनी को फिर से वही तार वाली कर लीजिए, आपका मुरब्बा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप ये मुरब्बा ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।